We'll move towards a short advertisement for our product in the appliances division. Have a look at that. Inverex laya bina bijli ke super cooling wala DC solar air conditioner jo chale solar panels aur built in MPPT solar inverter ke sath. Ye din ki roshni mein bina bijli istemal kiye solar panels par chalta hai aur raat ko deta hai bijli ki 80% tak bachat. Units ki saving aur consumption monitor kare iske built in Wi-Fi se. T3 compressor और variable DC motor 55 degree temperature में भी दे बिना बिजली के super cooling. इसलिए तो कह रहे हैं Inverex solar air conditioner बिना बिजली के super cooling. All right, first time in Pakistan solar air condition with built-in solar MPPT. एडवर्टीजमेंट से भी और इसकी आउटलुक से भी आपको पता चलेगा ऑब्वियसली इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी इज अ सोलर कंपनी दैट इज लीडिंग सोलर इंडस्ट्री फॉर अ वाइल नाउ एंड हमारा जो ट्रेडमार्क है फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान इट्स वेरी मच फेमस इन द मार्केट बिकॉज इन्वेरेक्स ऑलवेज इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट दैट इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट एंड वी आर द फर्स्ट वन वी आर द पायनियर्स ऑफ एवरी प्रोडक्ट दैट वी इंट्रोड्यूस इन द मार्केट सो इसी को देखते हुए फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हमने एक सोलर MPPT इन्वर्टर बेस एयर कंडीशन इंट्रोड्यूस कराया जो कि गोल्ड सीरीज़ के नाम से 3 वेरिएंट्स में हमारे पास मौजूद है जिसके में फर्स्ट वेरिएंट 1 टन जिसको हम US स्टैंडर्ड्स में कहते हैं और 12,000 BTU जो कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स में हम कहते हैं तो 1 टन 1.5 टन और 2 टन में ये गोल्ड सीरीज़ सोलर एयर कंडीशन हमारे पास मार्केट में मौजूद हैं जिसकी 5 ईयर्स की कंप्रेसर की वारंटी है 2 ईयर्स की कंडेंसर एंड एवेपरेटर की वारंटी है और 2 ईयर्स की इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की वारंटी है तो आई होप इसका आउटलुक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एनी एयर कंडीशन विद अ मैट फिनिश आउटलुक ऑफ द इंडोर एयर कंडीशन वील मूव टूवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड एंड वील सी इट्स डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस एंड डिफरेंट ऑप्शंस वी हैव फर्स्ट बिल्ट इन सोलर MPPT इससे पहले कोई भी AC पाकिस्तान में बिल्ट इन सोलर MPPT वाला नहीं आया इट मीन्स के आपको कोई एक्सटर्नल इन्वर्टर लगाने की इस AC को चलाने के लिए ज़रूरत नहीं है आपने सिर्फ सोलर पैनल्स कनेक्ट करने हैं सीरीज़ के अंदर वोल्टेजेस वो रेंज आपको बताई जाएगी उसके हिसाब से आपने सिर्फ आउटर के अंदर MC4 के साथ सोलर पैनल्स कनेक्ट करने हैं इसको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देना है और आपका जो डे टाइम के ऊपर जितनी भी एयर कंडीशन आपकी कूलिंग कर रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है बिजली की कंजम्पशन 0 है सारी जितनी कूलिंग हो रही है वो आपकी सोलर पैनल्स के थ्रू हो रही है सोलर पैनल कैपेबल बिल्ट इन MPPT इन्वर्टर मार्केट में फॉर द फर्स्ट टाइम वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट अच्छा हम लोग मार्केट में सुनते हैं कि DC जो है वो इन्वर्टर जो इन्वर्टर AC हैं बहुत सारी चीज़ें हम मार्केट में सुनते हैं तो वो ट्रू DC नहीं होता हमारा जो एयर कंडीशन है सोलर एयर कंडीशन इज अ ट्रू DC इन्वर्टर MPPT इन्वर्टर AC जिसकी जो कंप्रेसर की जो मोटर है वो भी DC है जिसकी इनर की जो मोटर है वो भी DC है और इसके आउटर की जो मोटर है वो भी DC है तो इसको 3D डिज़ाइन कहा जाता है इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर इट्स अ 3D डिज़ाइन विद DC कंप्रेसर मोटर DC इनर मोटर एंड DC आउटर मोटर एज वेल इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम T3 कंप्रेसर इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसकी कंपनी को भी डिस्क्लोज किया जाएगा आगे जब हम इसमें बताएंगे इट्स अ पैनासोनिक T3 कंप्रेसर दैट वर्क्स एट 55 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि हमारे हार्श एनवायरनमेंट्स हैं पाकिस्तान में हम देखते हैं इंटीरियर साइड के और पंजाब साइड के जो वाले एटमॉस्फेयर में जहाँ पे 50-55 डिग्री टेम्परेचर होता है जहाँ पे जो नॉर्मल इन्वर्टर AC होते हैं वो काम करना कूलिंग करना बिल्कुल छोड़ देते हैं जो कि अगर उस कंडीशन में बात करें तो 18,000 BTU का जो आपका AC होता है वो तकरीबन 12,000 BTU तक की कूलिंग ही कर पा रहा होता है क्योंकि टेम्परेचर बाहर बहुत ज़्यादा होता है उसका थर्मोस्टेट इतना कंपैटिबल नहीं होता कि उसका जो कंप्रेसर है वो इतने राउंड्स प्रोड्यूस कर सके कि AC जो है आपकी कूलिंग कर सके तो इट्स अ T3 कंप्रेसर फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान जो कि हाई टेम्परेचर रोबस्ट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान एनवायरनमेंट के हिसाब से इंट्रोड्यूस कराई गई है विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी द अदर ऑप्शंस दैट दिस अप्लायंस प्रोड्यूसेस अच्छा 80% एनर्जी सेविंग जो है ये कि अगर देन ऑब्वियसली इसका जो इसमें 3 वेरिएंट्स हैं हमारे पास
1 टन 1.5 टन्स एंड 2 टन्स. इसमें हम देखते हैं कि 1 टन और 1.5 टन जो एसी है वो सोलर और इलेक्ट्रिसिटी मिलकर चलाता है. इट्स अ शेयरिंग इन्वर्टर. जो ऑलरेडी लोग इन्वर्टर जो हमारे इन्वेरस के इन्वर्टर्स में काम करते हैं वो उसमें उनको शेयरिंग का जो वर्ड है वो उससे बखूबी वाकिफ हैं. तो जिस टाइम पे सोलर मैक्सिमम आ रहा है तो जो एसी जो है वो मैक्सिमम जो एनर्जी है वो सोलर से ले रहा है, और अगर जिस टाइम पे सोलर कम है तो उस टाइम पे ग्रिड से ले रहा है. यहाँ पे एक सेलफोन बना हुआ है जिसके ऊपर इसकी एप्लीकेशन का जो है आउटलुक, इसके ऊपर आप सोलर एसी जहाँ लिखा है उसके बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं एयर कंडीशन बना हुआ है, और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीवी से कितनी पावर इनपुट हो रही है और एसी से कितनी पावर इनपुट हो रही है. तो इसमें इसकी लाइव मॉनिटरिंग आप देख सकते हैं, इसका थर्मोस्टेट की सेटिंग्स, इसके टर्बो की ऑप्शन की सेटिंग, इसकी कूलिंग हीटिंग सारी चीज़ें, आपने कितनी एनर्जी सेव की, आपने कितनी एनर्जी सोलर से बनाई, कितनी एनर्जी ग्रिड से कंज्यूम की, ये सारी चीज़ें आपको मोबाइल इसकी एप्लीकेशन के ऊपर आ रही होंगी. ये मोबाइल एप्लीकेशन का यहाँ पे आपको नाम बताया हुआ है, मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन थ्रू मोबाइल ऐप सोलर एयरकॉन एंड्रॉयड और iOS दोनों के ऊपर अवेलेबल. यू जस्ट डाउनलोड दी ऐप, कनेक्ट दी एयर कंडीशन विद योर वाईफाई, और आप अपनी सारी सेटिंग्स जो है मोबाइल के थ्रू एसी को ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, सही है, उसकी एनर्जी की कंजम्पशन सोलर से कितनी हो रही है वो भी देख सकते हैं. हॉट एंड कोल्ड दोनों ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं, वाईफाई इसके अंदर बिल्ट इन है. 80% जो एनर्जी है अगर आपका रूम टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो ये जो एसी है वो डिपेंडिंग ऑन द इनर एंड आउटर टेम्परेचर, अगर आपका बिल्कुल मेंटेन है 26 के ऊपर चल रहा है तो मेरा नहीं ख्याल ये 1.5 एम्पीयर से ऊपर जाएगा नाइट टाइम के ऊपर भी. तो 80% जो एनर्जी सेविंग है वो आपकी रात में हो गई, दिन के टाइम में 97% एफिशिएंसी. तो इट्स अ फ्री एसी दैट रन्स होल डे एंड कूल्स आउट योर रूम कंप्लीटली. वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमारे एयर कंडीशन की टेस्टिंग जो कि हमारी लैब में की गई और जिसका एक स्टैंडर्ड हमने सेट किया. इसमें अगर आप पहले देखेंगे ये टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ है. हमने इस इन्वर्टर का जो टेम्परेचर है उसके थर्मोस्टेट को हमने बढ़ाया. हम पहले हमारा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर था, जो हमारा रूम का टेम्परेचर था, वो उस वक्त 20 डिग्री था. व्हाट वी डिड, हमने क्या किया, हमने एसी को हीटिंग मोड के ऊपर लेके गए और हमने देखा कि हमारा एसी कितनी कंजम्पशन कर रहा है. तो हमने देखा कि हमारा ये टाइम का जो रेफरेंस है उस टाइम में इधर पावर कंज्यूम कितनी हुई. देखा कि जब सबसे पहले एसी स्टार्ट हुआ 2 टन का एसी, वो 1600 वाट से स्टार्ट हुआ, और जैसे जैसे टेम्परेचर मेंटेन होता गया जो कि आउटसाइड टेम्परेचर इनर टेम्परेचर के दरमियान की लाइन है, आपने देखा कि ये जो ग्रीन लाइन यहाँ पे चल रही है नीचे, दिस इज़ दी ग्रिड कंजम्पशन, जो कि पूरे 11:30 बजे दिन के शुरू से शाम के 5 बजे तक ग्रिड की कंजम्पशन कुल मिला के सिर्फ 150 वाट्स ही हुई ऑल डे. दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ टेम्परेचर ऑफ द रूम. इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इन्वर्टर जो हमारा एयर कंडीशन है वो कम्प्लीटली सोलर के साथ चला. ये जो ब्लू लाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है रेड लाइन के कंट्रास्ट में, दिस इज द सोलर पावर जो पूरा दिन इन्वर्टर जो हमारे एयर कंडीशन ने वो एब्जॉर्ब की. ग्रिड पावर की लाइन बिल्कुल आपको नीचे चलती हुई जगह, जो सुबह 11:30 बजे से शाम 5 बजे तक, इट जस्ट कंज्यूम 200 वाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.